Welcome, my dear friends. Myself, Professor Dr. Rajendra Raghuveer Deshpande from Pune, Maharashtra State, India, would like to welcome you all in my Ayurveda Academy YouTube channel. As you know, I am MD, Doctor of Medicine in Ayurvedic Medicine, that is Kaya Chikitsa, MD in Ayurvedic Physiology, that is Kriya Sharira. For a paid online consultation, I have the expert team of the doctors. You can WhatsApp me on 9226810630. The number is given in the description. Okay. My lectures are for everybody, for the medical students, for the doctors, for the professors, for the patients, and for the common man as well. Videos are in each language, Marathi, Hindi, English. This video will be mixed English and Hindi. Today we are going to discuss the topic underlined by the Swastha Vrutta subject. Swastha Vrutta. But Swastha Vrutta, that means how we can keep ourselves healthy. This knowledge is useful for everybody. For example, today's title is Nutritional, National Nutritional Program. Bharat Sarkar, hamari mammam ke liye, hamari khan paan ke liye, is khas karke bachchon ke liye, bahut achhi achhi schemes, yojana lati rehti hain, hai abhi existing hai. तो ये परीक्षा में स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन डिटेल. कैन यू सी द क्वेश्चन? आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग, प्लीज राइट डाउन दिस क्वेश्चन. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डिस्क्राइब नेशनल, राष्ट्रीय स्तर पर न्यूट्रिशनल, खाने पीने के बारे में योजना, प्रोग्राम्स इन डिटेल. ठीक है, चालू करते हैं आज का डिस्कशन. The government of India, ये भारत सरकार की बात है, supplementary feeding programs. ऐसा नहीं है कि वो घर आकर हमें कुछ खान पान देंगे. जब बच्चे स्कूल में जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पॉवर्टी होती है, गरीबी होती है, उनके पास पैसा नहीं होता जितना चाहिए हमारी न्यूट्रिशन के लिए. आप तो जानते हैं कि न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या पदार्थ लगते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब लगता है. तो कुछ लोगों को, खास करके बच्चों को ये कमी होती है, तो उसके लिए पूरक बोलते हैं ना, पूरक अन्न व्यवस्था, सप्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम्स. तो ये क्यों है, क्यों भारत सरकार हमारी जिम्मेदारी उठा रही है, बच्चों की जिम्मेदारी उठा रही है? इसका कारण है टू ओवरकम द स्पेसिफिक डेफिशिएंसी एंड डिसीजेस. भारत सरकार का अच्छा सोच है कि वो बोलते हैं किसी को भी, ज्यादातर बच्चों को कौन सी भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो गई तो ये ब्लाइंडनेस आ जाएगा. हाँ, विटामिन सी की इम्यूनिटी कम हो गई तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी. प्रोटीन्स कम हो गए तो क्वाशोरकोर नाम की बीमारी हो जाएगी. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट दोनों खत्म हुए तो मैरास्मस, बच्चा ऐसा लुकड़ा हो जाएगा, मतलब थीन हो जाएगा, कृश हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. भारत सरकार की इच्छा है किसी को भी कुछ भी अन्न पदार्थों की, प्रॉक्सिमल प्रिंसिपल ऑफ फूड्स की कमी होने के कारण कुछ भी तकलीफ, कुछ भी बीमारियां नहीं होनी चाहिए. तो इसीलिए उन्होंने, जो मिनिस्ट्री है हमारी सरकार में, जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने फाइटिंग विद द माल न्यूट्रिशन. माल न्यूट्रिशन हमारी भारतवर्ष का बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स की कमी होती है तो हमारी इम्यूनिटी कम होती है, और जब इम्यूनिटी कम होती है तो हमें कोरोना होता है, तो हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं. तो हम तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे खान पान अच्छा होना चाहिए. तो क्या क्या प्रोग्राम्स बनाए रखे हैं हमारे भारत सरकार ने, देखते हैं यहाँ पर. ठीक है, नेशनल प्रोग्राम्स इन इंडिया, भारतवर्ष के तीन महत्वपूर्ण प्रोग्राम. स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन दिस की वर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द लिखने की कोशिश कीजिए. पहला प्रोग्राम है विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस. हमारी विटामिन ए की कमी नहीं होनी चाहिए शरीर में. विटामिन ए के तो बहुत सारे कार्य हमने पहले भी देख चुके हैं, और मेरे वीडियोस हैं उधर, आप हर एक विटामिन के कार्य देख सकते हैं, किसके द्वारा हमें विटामिन ए मिलता है. ज्यादातर विटामिन ए जो है ना, हमारी एपिथेलियल सेल्स के लिए जिम्मेदार है, आइज के लिए जिम्मेदार है. स्किन और आइज ये महत्वपूर्ण है. ब्लाइंडनेस, अंधत्व आ जाएगा, हमारी स्किन बहुत टोर स्किन बन जाएगी, बहुत रफ बन जाएगी. ठीक है, तो ये और सब मेटाबॉलिक प्रोसेस में ये विटामिन मददगार साबित होते हैं. ठीक है, विटामिन ई.
तो विटामिन ए ज्यादातर ये हमारे जो कलरफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे खान पान में, जैसे रेडिश है और कैरेट्स होते हैं, और जो रंग वाले जो पदार्थ है टोमेटोज होएंगे, जो भी है कलरफुल फ्रूट्स होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, इन सब में ये विटामिन ए होता है। तो ये प्रोग्राम मतलब विटामिन ए देने के लिए सप्लीमेंट तरीके के पूरक व्यवस्था करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये डिपार्टमेंट काम कर रहा है। आगे चलते हैं, प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट द न्यूट्रिशनल एनीमिया। बहुत सारे वीडियोस में मैं हमेशा कहता हूं कि भारतवर्ष में पांडु एनीमिया की शिकायत ज्यादा होती है। कैसे पहचान रहे हैं? आपके आसपास रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में तुरंत ये देखिए, हमेशा करके दिखाता हूं मैं, ये देखिए यहां पर देखिए पिंक कलर होता है हमारे लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा। ये जब पेल हो जाएगा, हमारे नाखून जो है रफ हो जाएंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, उसकी कॉन्वेक्सिटी चली जाएगी, तो आपके मन में आना चाहिए अरे इस बंदे का हीमोग्लोबिन देखना चाहिए, जाकर लैबोरेटरी में खून की जांच करवा ले। हीमोग्लोबिन 12 to 40 ग्राम एडल्ट में होनी चाहिए, ग्राम परसेंट। जब ये 10 से नीचे आ जाएगा, 10 ग्राम परसेंट से, तो माइल्ड एनीमिया हो गया। 7 ग्राम से नीचे आ गया तो मॉडरेट हो गया। 5 ग्राम से नीचे आ गया तो सीवियर एनीमिया हो गया। और एनीमिया भी एक कारण है जिसके द्वारा हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हमें साथ जुड़ जाती है जब एनीमिक कंडीशन होती है। ज्यादातर लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ये ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। पूरे भारतवर्ष में जो भी एनीमिया के प्रकार हैं उसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ये बहुत ही आम है। आम मतलब कॉमन है। आयरन लोहे की कमी होने से, थायरोक्सिन नाम का हार्मोन, थायराइड की प्रॉब्लम होने से, हमारी जिंक कॉपर ये मिनरल्स कमी होने के कारण ये बीमारी आ जाती है। ये भी इसका भी प्लानिंग, इसका भी जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बनाया है। उसके आगे चलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम। ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये एसएक्यू के लिए भी आ जाता है। जो ऊपर वाला मैंने बता दिया था वो एलएक्यू के लिए पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन। फिर ये शॉर्ट में मिड डे मील प्रोग्राम आपको 5 मार्क के लिए, 7 मार्क स्टूडेंट्स के लिए पूछा जाएगा। इसकी जिम्मेदारी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो दोपहर का खाना फ्रेशली कुक्ड फूड और जो भी उसमें मिनरल्स है, विटामिन है, ऐसा खान पान देने की व्यवस्था ये शिक्षा मंत्रालय ने ली है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक एक प्रोग्राम देखेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने अंडरलाइन करके रखी है ना, उसके ऊपर ध्यान दीजिए मेरे स्टूडेंट्स, और वो सिर्फ पॉइंट्स आपके नोटबुक में लिख दीजिए। विटामिन ए की प्रतिबंध, विटामिन ए डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, सिंगल मासिव डोज ऑफ ऑयली प्रिपरेशन ऑफ विटामिन ए दे देंगे। हाँ, विटामिन ए दे देंगे। कितने देंगे? 1, 2, 3, ये 2 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं। 2 लैक्स इंटरनेशनल यूनिट ये उसका डोज है, वो ओरली दिया जाता है। घबराइए मत, बहुत ऐसे ग्रेन्यूल्स होते हैं ये। ऑल प्री स्कूल चिल्ड्रन, मतलब जब अभी स्कूल में जाना चालू भी नहीं हुआ है, 3 साल का बच्चा है, 4 साल का, 5 साल का बच्चा है, तो इनको हम देंगे एवरी आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये मात्रा दे देंगे उसको लिए। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, उसको ब्लाइंडनेस अंधत्व नहीं आ सकता। दिस प्रोग्राम जो है ना वो कभी चालू हो गया है, 1970 में ये प्रोग्राम चालू हो गया है। आगे का पॉइंट है ये देखिए, प्रोफिलैक्सिस अगेंस्ट द न्यूट्रिशनल का मतलब आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। हाँ, जैसे मैंने बोला लोह की कमी है। ये हमारी भारतवर्ष में जब ये 4th 5 ईयर प्लान चल रहा था, पंचवार्षिक योजना उसको कहते हैं, फोर्थ चौथा 5 ईयर प्लान पंचवार्षिक योजना में इसका समावेश किया गया है। क्या करते हैं इसमें, भारतवर्ष के जो भी अधिकारी व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड की गोलियां जो होती है टैबलेट्स टू द प्रेग्नेंट वुमेन, हाँ प्रेग्नेंट वुमेन को दी जाती है, और 1 to 12 ईयर एज ग्रुप चिल्ड्रन उसमें ये टैबलेट दी जाती है। ये किसके अंदर आता है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ एमसीएच जो सेंटर्स होते हैं शहरी भागों में, अर्बन एरियाज में, और पीएचसी बोलते हैं ना विलेजेस में, क्या होते हैं प्राथमिक आरोग्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। तो इससे क्या हो जाएगा कि और एक चीज की जाती है टैबलेट के अलावा, और एक चीज की जाती है कि आयरन फोर्टिफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, जो हमारा खाने पीने का सैंधव होता है, उसमें भी थोड़ा सा आयरन की मात्रा लगा देते हैं।
तो उसके क्या हो जाएगा, हमारी एनीमिया नहीं आ जाएगी और पांडुता हीमोग्लोबिन नहीं कम होगा, आरबीसी का काउंट नॉर्मल रहेगा, तो हमारी बीमारियां कम हो जाएगी। आगे चलते हैं भैया, कंट्रोल ऑफ, अभी आगे है आयोडीन के बारे में। पहला आयन, आयन लोहा है, अभी आयोडीन की बात कर रहे हैं। तो कंट्रोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स करके है, देखिए एक मिनट है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मेरे को आई वॉन्ट टू चेक वेदर द माई थिंग्स आर गोइंग वेल और नॉट, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स, ओके, जस्ट आई हैव टू चेक द माई सिक्वेंस, हियर आई विल गो फॉर द सेकेंड पेज, यस, ओके। कंट्रोल ऑफ आयरन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, इंडिया स्टार्टेड गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम, क्योंकि जब आयरन सॉरी ये आयोडीन नहीं होता तो हमारी ये जो थायराइड ग्लैंड है ना उसके बारे में तकलीफ होती है, थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है और गॉइटर बन जाता है डेफिशिएंसी से। ये 1962 में भारतवर्ष ने ये आयोडाइज्ड सॉल्ट हमारे नमक में आयोडीन डालना चालू कर दिया। ड्यू टू द फेल्यूअर उसके इतना इफेक्ट नहीं हुआ, तो नया प्रोग्राम भारत एक सुधारणा ला दिया, आईडीडी कंट्रोल प्रोग्राम, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। देखिए आईडीडी का फुल फॉर्म क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम है। वो पहले वाला था 1962 में, स्टूडेंट्स के लिए याद रखेंगे, वो थोड़े से उसमें कमी रह गई थी, तो 1986 में एक सुधारित मॉडिफाइड प्रोग्राम ला गया। तो उसमें क्या किया, इट वॉज डिसाइडेड टू फोर्टिफाई ऑल एडिबल सॉल्ट, सभी प्रकार के नमक में ये डाल देना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अभी चल रहा है कि मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, उसके बाद मतलब अभी प्रसार कितना है, ये थायराइड वाले प्रॉब्लम कितने बाकी बचे हुए हैं, इसका प्रसार प्रचार कैसा हो रहा है, हाँ, उसके लिए कुछ एक कंट्रोल प्रोग्राम मैन पावर बना दिया है, तो उसका ट्रेनिंग देते हैं ये गवर्नमेंट, और मास कम्युनिकेशन हर एक लोगों को ये आयोडीन के बारे में, उसकी डेफिशिएंसी के बारे में, थायराइड के बारे में ज्ञान दिया जाता है। ध्यान से सुनिए, ज्ञान, नॉलेज इज अ पावर, जब भी हम अच्छे ज्ञानवान होते हैं तो ये तकलीफें अपने आप बीमारी कम हो जाएगी, लोगों को पता ही नहीं होता। अरे इतनी सादी सी बात है कि जो थायराइड ग्लैंड है ना, पूरे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसके द्वारा प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, चयापचय की प्रक्रिया, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, चयापचय की प्रक्रिया, फैट मेटाबॉलिज्म, ये सभी के सभी मेटाबॉलिक प्रोसेस ये पूरे थायराइड ग्लैंड के ऊपर निर्भर होते हैं। मतलब हमारी पूरी शरीर की जो क्रिया व्यापार है, घटनाएं चल रही हैं, चाहे वो हृदय की धड़कन हो, चाहे वो लीवर का फंक्शन हो, चाहे किडनी वाला फंक्शन हो, हर एक कार्य अच्छा होने के लिए थायराइड ग्लैंड अच्छी होनी बहुत ही जरूरत है। हमारे शरीर की जो ऊष्मा होती है, एनर्जी मिलती है, वो भी ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर निर्भर होती है, ठीक है। तो इसकी मतलब केयर करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को ज्ञान लोगों को देना बहुत ही जरूरत हो गया है। इसके लिए आयोडाइज्ड सॉल्ट क्या है, देखिए यहां पर अभी देख बात करते हैं, आयोडाइज्ड सॉल्ट, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, प्रिवेंटिव, प्रतिबंध स्वरूप से, क्योंकि थायराइड की ट्रीटमेंट लेनी होती, पूरे जन्म भर आपको थायराइड की शिकायत होती रहेगी, तो इसके न होने के लिए आप ये आयोडाइज्ड सॉल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उससे हम किससे बच सकते हैं, एंडेमिक गॉइटर जो होता है ना, पूरे साथ संसर्ग हो जाता है, पूरे इलाके में वो गॉइटर के पेशेंट मिलते हैं, वो ऐसा नहीं हो जाएगा। आयोडाइज्ड सॉल्ट इज इकोनॉमिकल रहता है, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी गॉइटर की, तो महंगी ट्रीटमेंट है, रेडियोथेरेपी है, आयोडीन देना पड़ेगा, इंजेक्शन देने पड़ेंगे, उसको नहीं होना है तो ये हमारा सॉल्ट जो है, नमक है, उसमें आयोडीन डालना पड़ेगा, वो खाना पड़ेगा, वो आर्थिक तरीके से बहुत अच्छा है, कन्वीनियंट है, उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, इंजेक्शन वगैरह कुछ लगवाना नहीं है, और इफेक्टिव भी है, हम बच सकते हैं हाइपोथायराइडिज्म से, थायराइड की कमी होने से हम बच सकते हैं। सो इट वॉज प्रपोज टू कंप्लीटली रिप्लेस कॉमन सॉल्ट विथ आयोडाइज सॉल्ट, अभी जो मिल रहा है मार्केट में वो पूरा का पूरा भारत सरकार की आज्ञा से आयोडाइज्ड सॉल्ट हम सेवन कर रहे हैं, इसके द्वारा ये प्रतिबंध हो सकता है। ये देखिए क्या किया जाता है कि आयोडीन का मॉनिटरिंग किया जाता है। देखिए भैया आयोडीन जो है ना,
आयोडीन मॉनिटरिंग एक महत्वपूर्ण भारत सरकार का, मतलब ये प्रोग्राम्स में कौन से जो पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। लैबोरेटरीज आर सेटअप, जो प्रयोगशाला बोलते हैं उसमें क्या करते हैं, ये डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन इन द सॉल्ट, ये नमक में कितने परसेंट आयोडीन डाला गया है वो ठीक ठाक है या नहीं है, वो लैबोरेटरी में चेक किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। एंड ऑल्सो ये प्रयोगशाला में और एक चीज की जाती है, कई ऐसे इलाके हैं हमारे भारतवर्ष में, ज्योग्राफिकल एरियाज हैं, जहां पानी में आयोडीन की कमी होती है, ठीक है, तो उसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ आयोडीन इन द वॉटर ये भी देखा जाता है, कभी कमी होती है कभी ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसके साथ गवर्नमेंट क्या करता है, मैन पावर ट्रेनिंग, जो भी आरोग्य रक्षक, हेल्थ से कंसर्न, जो भी डॉक्टर्स लोग हो, नर्सेस हो, जो भी लोग हैं, दाई हो, या जो आंगनवाड़ी का वाड़िया लेडीज बोलते हैं, मतलब जहां पर भी ये हेल्थ के रिलेटेड कुछ, ये जो स्त्री या पुरुष हो, हेल्थ वर्कर्स बोलते हैं, उनको पूरी तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। ये थायराइड के बारे में बता दिया जाता है, उसकी फंक्शंस क्या है, उसकी डेफिशिएंसी मतलब कमी होने से क्या क्या हो जाएगा, और उनको बताया दिया जाता है कि आप पोस्टर्स बनवा लीजिए, आप बैनर्स बनवा लीजिए, और पूरे इलाके में जो विलेज प्लेस हो, अर्बन प्लेस हो, आप जितने ज्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचा दो, चाहे वो वर्तमान पत्र के द्वारा हो, चाहे वो टेलीविजन के द्वारा हो, चाहे वो वेबसाइट कंप्यूटर के द्वारा हो, चाहे वो मोबाइल ऐप के द्वारा हो, जो भी है वो इस्तेमाल करेंगे और उसका ज्ञान का प्रचार और प्रसार करेंगे थायराइड ग्लैंड के लिए। मास कम्युनिकेशन, जैसे जैसे मैंने अभी कहा, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों को आरोग्य साक्षर बनाना चाहिए। मैं खुद भी एक आयुर्वेद एकेडमी का डायरेक्टर के नाते से बता देता हूं, जो भी हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, चाहे वो लेडीज हो, बच्चे हो, या यंग हो, बुढ़ापे हो, सभी में मैं ऐसा देखता हूं कि उनकी क्वालिफिकेशन देखा जाए। कभी कभार तो बहुत सारे लोग होते हैं कि बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, इतना ही नहीं, कई तो इंजीनियर्स होते हैं, कंप्यूटर वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं, हाँ, बहुत सारे एक्सपर्टाइज होते हैं, अपनी अपनी जो कंपनियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं अपनी अपनी क्षेत्र में। फिलहाल आरोग्य के बारे में उतनी साक्षरता अभी भी भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि ज्ञान जो है ना वो ऐसा आसान तरीके से स्प्रेड नहीं किया जाता। ये जो डॉक्टर आयुर्वेद एकेडमी चला रहे हैं ना, उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य यही है मेरा, मास कम्युनिकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में नहीं, डॉक्टर देशपांडे के वीडियो देखिए आप, कितने प्लेलिस्ट बनाए हैं सर ने, 25 विविध विषय की प्लेलिस्ट है, उसमें स्त्री रोग के बारे में है, बाल रोग के बारे में है, बूढ़ों के बारे में है, यंगस्टर्स के बारे में, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज के बारे में, मानस व्याधि के बारे में, आयुर्वेद की दवाई के बारे में, क्या नहीं है मेरे आयुर्वेद एकेडमी चैनल। तो ये उम्मीद रखता हूं कि ऐसे मेरी कोशिश देखकर आप रुपया, जो क्या बोलते हैं ना, आपको डोनेशन भी हमें चाहिए, उधर मार्क होता है कि सर आप अच्छे काम कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं हम 200 रुपए, 500 रुपए, ये ऐसा भीख की तरह नहीं, मैं बोलता हूँ कि इतना अच्छा काम करने के लिए, कुछ लोग बोलते हैं सर सब टाइटल डालो, अरे मैं अकेला क्या क्या कर सकता भैया, उसके लिए मेरे को एक्सपर्टाइज चाहिए, आपके पास कुछ एक्सपर्टाइज है मेरे को सहायता करने के लिए, तो पैसा मत दो, मेरे को एक्सपर्टाइज दे दो, आप थंबनेल बनानी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। चलो, एक विषय जो है मास कम्युनिकेशन की बात आ गई, तो मेरे को मतलब उभर के आया से मन की जो विचार है वो, आगे चलते हैं। एसएक्यू वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है, ये ज्यादातर गवर्नमेंट स्कूल में ज्यादा होता है। कई लोग पूछेंगे सर हमारा लड़का यहाँ यहाँ जाता है, वहां पर अभी तो बहुत सारे स्कूल्स में ये कंपलसरी भी किया है गवर्नमेंट ने, चाहे वो प्राइवेट हो, अनुदानित हो, या पूरी गवर्नमेंट हो, फिर स्कूल में मिड डे मील प्रोग्राम होना ही चाहिए। ये क्या होता है, ये स्कूल लंच प्रोग्राम है, जो दोपहर का खाना है बच्चे स्कूल में खाते हैं। ये कभी ये प्रोग्राम की बात चली, पहली 1961 में ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, उसका ये क्या है, मतलब पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, टू अट्रैक्ट द मोर चिल्ड्रेन फॉर स्कूल एंड रिटेन देम, स्कूल में आने के लिए हमारे पास पोहा है, हमारे पास उपमा है, हमारे पास इतने अच्छी चीजें हैं, सैंडविच हैं, तो बच्चों दो मिल्क है, बोर्नविटा है, तो ये कुछ चीजें देखकर बच्चों को लगता है नहीं मेरे स्कूल में गया तो मेरे को दोपहर का खाना अच्छा मिल जाता है, ऐसी एक भावना पैदा हो जाती है अट्रैक्शन की।
तो स्कूल में ज्यादा आएंगे, और जब भी उनको पेट भरा हुआ रहता है तो वो स्कूल में अपने आप ठहरते जा जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, और उससे उनका फायदा हो जाएगा। सो टू अट्रैक्ट देम एंड ऑल्सो टू रिटेन देम, क्योंकि बहुत बार देखा जाता है कि ये अर्बन एरिया की बात नहीं कर, ये रूरल एरिया, ग्रामीण भाग जो है, हमारा पूरा भारतवर्ष में ग्रामीण भाग ज्यादा है, हाँ, तो ग्रामीण भाग में, आदिवासी भाग में ये स्कूल में जाना पढ़ना ऐसी कुछ सोच समझ नहीं होती। वो बोलते क्या करेंगे पढ़ के, और अपने अपनी जो सेती है और कुछ धंधा है उसके ऊपर लगे रहते हैं, बच्चों को भी काम में लगाते हैं, वो गलत है, बहुत गलत है। बच्चों का उम्र ऐसा होता है कि वो शिक्षा लेना चाहिए, और शिक्षा का फायदा आगे चलकर उनको कुछ अपने अपने कुछ की सर्विसेज या बिजनेस या पेट पानी का सवाल जो होता है उसके लिए वो काम आ जाएगा। ठीक है, मोल मजदूरी करना हमारी, और बेगरशिप करना मतलब भीख मांगना, ये तो नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए स्कूल जाना बहुत जरूरत है। इसके लिए मिड डे मील प्रोग्राम भारत सरकार की एक अच्छा सा प्रोग्राम है। प्रिंसिपल्स क्या है इसके, मील शुड बी सप्लीमेंट, जो खाना देंगे ये पूरक होगा, एंड इट शुड नॉट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर होम डाइट। बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं है कि चलो छुट्टी होगी, हमारी माता जी जो बहुत खुश हो गए, चलो बच्चों को अभी तो भारत सरकार सब दे रहे हैं, ऐसा नहीं, इट इज नॉट ए रिप्लेसमेंट। हमारा घर का खाना तो घर का खाना ही होता है, उसमें वो जो चपाती है, चावल है, वेजिटेबल है, वो तो देना ही है। उसके साथ साथ ये स्कूल में कुछ ज्यादा थोड़ा सा विटामिन के हिसाब से, मिनरल के हिसाब से कुछ खाना दिया जाएगा। ठीक है, देखिए तो सप्लीमेंट है, क्या शब्द है उधर, सप्लीमेंट का मतलब होता है हिंदी में पूरक, मेन नहीं है, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है घर की खाने के लिए। ठीक है, दूसरी चीज है, वन मील शुड प्रोवाइड द 1/3 ऑफ द टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट, पूरे शरीर को कितनी कैलोरीज की गरज है, रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो 1/3 होनी चाहिए। ठीक है, अभी तो कैलोरी का हिसाब तो अलग बात है, वो अलग लेक्चर में करेंगे। और हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड, जो भी प्रोटीन की नीड होती है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि 1 ग्राम प्रोटीन फॉर 1 kg ऑफ द बॉडी वेट, ऐसा होता है, जब लड़का 10 किलो का वजन का है तो उसको 10 ग्राम प्रोटीन हर रोज देना चाहिए, वो मतलब पल्सेस के द्वारा दे सकते हैं, जो भी है चीजें, सोयाबीन के द्वारा, मूंग की दाल होती है। ठीक है, तो ये प्रोटीन जो है उसका हाफ ऑफ द प्रोटीन नीड उसको ये सप्लीमेंट में देना चाहिए। मील कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली इन द स्कूल्स एंड नो कॉम्प्लिकेटेड कुकिंग प्रोसेस शुड बी अवॉइड, जो बनाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी हमें बनानी है, पदार्थ बनाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आसानी से जो पदार्थ बनते हैं तो कॉलेज मैन स्कूल मैनेजमेंट के लोग जो होते हैं उनको लिए भी आसान होना चाहिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द मील, जो भी उसकी कीमत है वो भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लोकली अवेलेबल फूड, देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत बार महाराष्ट्रियन लोग जो होते हैं वो पंजाबी खाना पसंद करते हैं, हाँ, जर्मनी वाले जो लोग हैं वो इंडियन करीज अच्छा पसंद करते हैं, हम तो अमेरिका का पिज्जा खाते हैं हम बैठकर, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लोकल फूड स्टफ्स होते हैं, स्थानिक स्तर पर जो वेजिटेबल्स अवेलेबल है, जो फ्रूट्स अवेलेबल है, उसके द्वारा ही ये मिड मील बनाना चाहिए। ठीक है, द मेन्यू शुड बी चेंज, बच्चों को ना हमेशा कुछ बदलाव चाहिए, एक सरीका कुछ चल रहा है तो वो हैप्पी नहीं होते, तो इसीलिए डॉक्टर देशपांडे के लेक्चर्स में बहुत सारे ऐसी एनर्जेटिक एक्टिविटी होती है, तो लोग बोर नहीं होते जाते, सर सिर्फ सर पढ़ाई के रीड कर नहीं करते, सब उसमें एनर्जी डालते हैं, मिर्च मसाला डालते हैं, हाँ, तो स्पाइसेस डालने से क्या हो जाता है, लेक्चर ये टेक्स्ट की तरह से और फुल जाता है, मतलब और बढ़िया बन जाता है। देखिए बाकी के सब वीडियोस देखिए आप यूट्यूब पर, जो शिक्षा करते हैं ना, क्लासेस लेते हैं, ऐसे प्लेन ऐसे लाइन पढ़ते जाते हैं, हाँ, उनके ऐसा नहीं लगता कि ये टीचर्स को, ये बताने वाले को कुछ खुद को समझ में आ रही है, उसके पास एनर्जी है, तो ये होनी चाहिए, टीचर जब होता है तो एनर्जी के साथ ही होना चाहिए। तो मेनू मैं बता रहा था कि ये बदलाव चाहिए, हर रोज एक तरीके की मेथी की पराठा दे दिया लोगों को, चलेगा नहीं, कभी पोहा करिए, पोहा उपमा करिए, कभी सांजा करिए, कभी थालपीट, जो मराठी थोड़ा सा नाम बता रहा हूं मैं आपको, आप अपनी अपनी भाषा में ज्ञान करना का लेने का कोशिश कीजिए। ठीक है, कुछ शब्द मेरे मराठी आते हैं क्योंकि मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र का हूँ, तो मेरे को माफ कर दीजिए, कोशिश तो करता हूँ कि हर एक लैंग्वेज में वीडियो बनाऊँ। ठीक है, आगे चलते हैं, ये देखिए कुछ भी तकलीफ नहीं, एक मॉडल मेनू दे दिया है गवर्नमेंट ने, मिड डे का मेनू कैसा होना चाहिए, ध्यान यहाँ पर देखिए, हम देखेंगे उसकी बात करेंगे, देखिए बहुत अच्छा है। ये मार्किंग सिस्टम कैसी लग रही है आपको, कमेंट में लिखिए, सर आप मार्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उसके ऊपर हमारा ध्यान जाता है।
जितना अपना कमेंट्स आ जाएंगे ना, तो उतना मेरे क्या वीडियो में बनाने में कुछ आसानी हो जाएगी, कुछ स्फूर्ति मिल जाएगी, कुछ बदलाव भी कर सकता हूं मैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग, अभी जो मेरे क्लास वाली जो लेक्चर चल रही थी इंग्लिश में बात कर रहा था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर सर स्क्रिप्ट तो इंग्लिश है, तो आप बात थोड़ी थोड़ी हिंदी में करें, आप अच्छे बोलते हैं। तो हिंदी में अभी चालू किया मैंने बोलना, ये स्क्रिप्ट तो आपके सामने इंग्लिश में है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। ये देखिए सीरियल्स और मिलेट जो होते हैं, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, राइस है, ये 75 ग्राम पर डे पर चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। पल्सेज जो बोलते हैं ना, जैसे मैंने तूर की दाल बोली, मूंग की दाल बोली, उड़द की दाल बोली, सोयाबीन बोला, ये पल्सेज जो है, सॉरी सोयाबीन इधर आ जाएगा ऊपर वाले, पल्सेज जो है ज्यादातर तूर मूंग और उड़द, ये 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड होनी चाहिए। ऑयल्स घी बोलते हैं ना, तेल और घी, ज्यादातर घी का इस्तेमाल ज्यादा होना चाहिए, ऑयल का बहुत कम होना चाहिए। कम कितना, देखिए कितना कम है, 8 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। लेफी वेजिटेबल्स, ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है, मेथी है, पालक है, जो भी है ना, तो उसका इस्तेमाल 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड होना चाहिए। और नॉन लेफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, जैसे कि हमारी क्या बोलते हैं ना, पोटैटो हो गया, ऑनियंस हो गया, हाँ और क्या हो, बहुत सारे ना, गवार हो गई, जो भी अलग वेजिटेबल्स है हमारे, वो 30 ग्राम पर डे पर चाइल्ड। तो मतलब इसका मतलब है कि लीफी वेजिटेबल और नॉन लीफी वेजिटेबल दोनों का समावेश। हम देखिए क्या करते हैं, अल्टरनेट, मतलब एक ही चीज बनाते हैं घर में, कभी लीफी वेजिटेबल बनाएंगे तो कभी नॉन लीफी बनाएंगे, ऐसा नहीं है पर डे चल रहा है बात। तो हर रोज हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी खानी है और नॉन लीफी वेजिटेबल भी खानी है, दो कम से कम सब्जियां हमारी ये परे खाने में होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं मॉडल रेसिपीज, ये देखिए आगे मिड डे मील की बात चल रही है भैया, नेशनल प्रोग्राम्स की बात कर रहा हूं मैं, न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स। मॉडल रेसिपीज फॉर स्कूल मील सुटेबल फॉर द नॉर्थ एंड द साउथ इंडियन, उत्तर और दक्षिण, ये किसने सजेस्ट किया, प्रिपेयर्ड बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित ये बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है, पूरे भारतवर्ष में ये फेमस है। क्या उसका नाम क्या, देखिए कर्सर देखिए मेरा, नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। खाने की बात आ गई तो इसका संपर्क करना है हमें हैदराबाद, किसी भी चीज को आपको डिस्कशन करनी है, कुछ सजेशन देना है, कुछ पूछना है, तो गूगल पर जाकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद टाइप कीजिए, आपको बिल्कुल वेबसाइट और मेल आईडी वगैरह मिल जाएगा, फोन नंबर भी मिल जाएगा। इसका गोल जो है एचूड क्या क्या हो जाता है, रीओरिएंटेशन ऑफ ईटिंग हैबिट्स, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, इसकी जानकारी मिल जाती है, रीओरिएंटेशन ज्ञान मिल जाता है। इनकॉर्पोरेटिंग न्यूट्रिशन एजुकेशन इन टू द करिकुलम, बहुत बढ़िया बात है। हमारा जो शिक्षा व्यापार होता है, जो भी हमारी सिलेबस होती है, उनमें ये न्यूट्रिशन की बात डालनी चाहिए। यहां पर मेरा एक एडिशनल सजेशन है, जो भारतवर्ष में अभी चालू हो गया है, फिर इतने जोर से नहीं चालू हो गया है, जो 5वीं कक्षा के, 6ठी कक्षा के, 7वीं कक्षा के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो हम शास्त्र भाषा की जब बुक देखेंगे, टेक्स्ट बुक देखेंगे, तो उसमें देखेगा कि मॉडर्न वाले जो शब्द है ना, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब की बात, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, डाइजेशन, ये बात ज्यादा 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 है, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। फिर उसके साथ आयुर्वेद के कुछ शब्द और आयुर्वेद की कुछ संकल्पना उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को बतानी ही चाहिए, सिंपल सी चीज है ना। आयुर्वेद कहता है कि हमारा जो खान पान है वो पांचभौतिक है, या उससे क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट किसके ऊपर हो जाता है, वात पित्त कफ के ऊपर हो जाता है। हमारी खान पान में ये टेस्ट का महत्व ज्यादा है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, ये उनकी भाषा में, गोड़ है, अम्बट है, उन अपनी अपनी भाषा में वो रस के बारे में और रस का परिणाम कैसा होता है हमारे शरीर पर, ये उनको बतानी चाहिए। मतलब बचपन से ये सब ज्ञान आयुर्वेद का थोड़ा थोड़ा इनकॉर्पोरेट हो गया उनकी करिकुलम में, तो वो ज्यादा बेहतरीन एक आदर्श नागरिक बन सकेगा, क्योंकि तो उसका ज्ञान जो है सामान्य ज्ञान वो अच्छी तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ लोकल कमोडिटीज, जैसे मैंने अभी कहा कि लोकल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। इंप्रूविंग द स्कूल अटेंडेंस, ये महत्वपूर्ण है, जो उपस्थिति है बच्चों की वो बढ़ानी चाहिए। मैं फिर एक बात बताता हूं आपको, ये प्रॉब्लम ज्यादातर भारतवर्ष में ग्रामीण जो भाग है, आदिवासी जो भाग है, वहां पर ज्यादा है,
ये सिटीज के प्रॉब्लम अलग है। सिटीज की भी कई 1-2-3% स्टूडेंट्स उनकी ज्यादा एब्सेंटीज होती हैं, या मैंने स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है। पता है आपको क्यों होती है? अरे भैया, हमारी जो यंग जनरेशन है ना, शहरवासी बोल रहे, मैं सिटी की बात कर रहा हूं, और अलग प्रॉब्लम है उसमें। उनमें प्रॉब्लम है कि वो एडिक्ट हो जाते हैं, बहुत सारी चीजों के एडिक्ट हो जाते हैं, मोबाइल एडिक्ट, ज्यादा मोबाइल एडिक्शन है, गेमिंग करते हैं हाँ, और गेमिंग के द्वारा स्कूल को जाना भूल जाते हैं, फिल्म देखते रहते हैं, ये पॉर्न फिल्म देखते हैं, सेक्स फिल्म देखते हैं, और कुछ लगातार देखते, रियलिटी शोज देखते हैं, और उसके द्वारा उनका अटेंशन जो है स्कूल के बजाय ये मोबाइल में, कंप्यूटर में ज्यादा होता है, स्कूल को बंक कर देते हैं। कई कभार तो ड्रग एडिक्शन हो जाता है, अफीम जैसे है? तो उनको हेरोइन जैसे, तो उनको तो और सीरियस बात होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये भी चीजें हमें देखनी पड़ेगी कि उनको कैसे स्कूल में, कॉलेज में अट्रैक्ट करना चाहिए। ठीक है, इंप्रूविंग द स्कूल अटेंडेंस एज वेल एज द एजुकेशनल परफॉर्मेंस। जब अटेंडेंस बढ़ गया तो अपने आप उनका जो परफॉर्मेंस है, उनका मतलब रैंकिंग है, उनका सब्जेक्ट के बारे में जो जानकारी मिलेगी वो ज्यादा मिलेगी। ये मैंने तो खुद एक्सपीरियंस किया है 35 ईयर्स, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना स्टूडेंट फिजिकली, मेंटली, मैं मेंटली भी अंडरलाइन कर देता, स्कूल में अटेंड करता है, कॉलेज में अटेंड करता है, तो उसका अपने आप परफॉर्मेंस जो है हमारी परीक्षा में या क्वेश्चन आंसर्स में वो बढ़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द मिड डे मील प्रोग्राम, यहां पर देखिए, फ्यू मिनट्स, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। द मिड डे मील प्रोग्राम बिकेम द पार्ट ऑफ द मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इन द 5th 5-year plan। ये 5-year plan शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। 5-year plan, हम हिंदी मराठी में पंचवार्षिक योजना करते हैं। हमेशा जब गवर्नमेंट आती है तो एक 5-5 साल का हिसाब किताब रखती है कि हमें क्या करने हैं, कौन से प्रोग्राम्स लाने हैं, कौन से क्षेत्र में कौन सी तरह से हमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये सब सोच है और वो प्लानिंग होते हैं। उसके प्लानिंग के अनुसार एजुकेशन सेक्टर में, बिजनेस के सेक्टर्स में, नौकरी धंधे के सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में, ये कल्चरल सेक्टर्स में हिसाब किताब हो जाता है, और लिखकर वो उस स्टेप से सरकार या कोई भी चीज आगे बढ़ती है। ये देखिए, मिड डे मील स्कीम, यहां पर अभी आपको आसानी होने के लिए यहां पर मार्क कर देता मैं आपके लिए। मिड डे मील स्कीम इज ऑल्सो नोन एज, उसका अलग नाम है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट। नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन। जो प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे हैं, फर्स्ट से लेकर या लोअर केजी या प्ले ग्रुप से लेकर फोर्थ स्टैंडर्ड तक, उनमें ये ज्यादातर प्रोग्राम खान पान के बारे में बताया गया है। दिस स्कीम पहले दफा लॉन्च इन 15th ऑफ अगस्त 1995। ये डेट स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जब AIPGET का बात आती है, तो ये सब डेफिनेशंस हो या नंबर्स हो, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दो जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो 15th अगस्त 1995 में लॉन्च हुआ, रिवाइज्ड, इसका रिवाइज्ड एडिशन कब हुआ, 2004 में, उसमें सुधार लाया गया। द ऑब्जेक्टिव वॉज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसका प्रचार प्रसार शिक्षा का होना चाहिए। कैसे हो जाएगा? एनरोलमेंट, स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए स्कूल्स में, घर घर जाकर, ग्रामीण एरियाज में, जो खेड़ीज विलेजेस होते हैं, घर जाकर डोर टू डोर उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा। आपके घर में बच्चे कितने हैं, क्या उम्र के हैं, क्या उनको शाला में आप भेजते हैं? वो बोलेंगे नहीं सर, यहाँ कुछ स्कूल नहीं है, तो उनको बताना पड़ेगा स्कूल कहाँ पर है, उधर कैसे जाना है। तो ये सब जो गाइडलाइंस है ना, उसका जो मार्गदर्शन है, वो गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं वो करेंगे। ठीक है, देन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन बाय इंक्रीजिंग द एनरोलमेंट, उसका रिटेंशन, स्कूल में बैठने चाहिए, अटेंडेंस अच्छा होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली इंपैक्टिंग ऑन न्यूट्रिशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन प्राइमरी क्लासेस। ओके, नेक्स्ट, आगे की जो महत्वपूर्ण बातें वो करेंगे। थोड़ा थोड़ा पॉज अच्छा ही होता है ना, डॉक्टर देशपांडे से तो लगातार बोलते रहते हैं। द सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय स्टेट्स अंडर द प्रोग्राम इज फ्री सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन। राज्य सरकारें जो हैं वो भी इसको सहायता कर रहे हैं, केंद्रीय जो योजना है उसके लिए।
वो बोलते हैं कि फ्री सप्लाई ऑफ द फूड ग्रेन, सम सजेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ न्यूट्रिशियस एंड इकोनॉमिकल मिड डे मील, ये कैसी बनानी चाहिए। द फूड ग्रेन्स मस्ट बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस, बहुत जिम्मेदारी होती है स्कूल के टीचर्स के ऊपर, ये संभाल करना, धान्य का संभाल करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ड्राई प्लेस होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, फंगस ग्रोथ हो जाएगी। एयर टाइट कंटेनर, ये भी प्रिवेंट करता है फंगस ग्रोथ के लिए, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर होने से या एक्सपोज टू द एयर होने से फंगल इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन एंड दैट विल गिव द फूड पॉइजनिंग। ऐसे कभी कभार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि इस इलाके में ऐसा ऐसा फूड पॉइजनिंग हो गया, तो ये जो जिम्मेदारी है वो ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आ जाती है टू अवॉइड द इन्फेस्टेशन। आगे चलते हैं, ये देखिए थोड़ा सा जब मार्किंग चालू होता है तो थोड़ा सा आपके सांस लेने की फुर्सत मिल जाती है आपको, है ना। होल व्हीट और ब्रोकन व्हीट जिसको दलिया बोलते हैं शुड बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग मील्स, ये एक महत्वपूर्ण बात है। जब आप उसका कवरिंग निकाल देते हैं ना गेहूं का या राइस का, तो उसमें से जो मिनरल्स हैं या विटामिन है वो निकल जाते हैं, उसका विनाश हो जाता है, तो वो न होने के लिए होल व्हीट, टोटल जो व्हीट है, या ब्रोकन व्हीट दलिया बोलते हैं, उसका इस्तेमाल खाना पकाने में करना चाहिए। पारबॉइल्ड और अनपॉलिश राइस शुड बी यूज, अनपॉलिश राइस, ये देखिए पॉलिश किया हुआ जो होता है ना उसमें से मिनरल्स विटामिन निकल जाएंगे। सिंगल डिश मील्स शुड बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ब्रोकन व्हीट और राइस बाय एडिंग सम अमाउंट ऑफ पर्ल्स और द सोयाबीन, ए सीजनल वेजिटेबल और ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड सम अमाउंट ऑफ एडिबल ऑयल। ये जो पूरा सिंगल डिश मिल गया तो हमारी ये जो भाषा चल रही है उसके हिसाब से मैं तो समझता हूँ ये पुलाव जैसा बन जाएगा, खिचड़ी बनते ना, खिचड़ी या पुलाव, ये इसमें मिक्सचर होता है, मतलब राइस भी होता है, पल्सेस भी मूंग दाल होती है, उसमें कुछ वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं, ग्रीन लेफी है, नॉन ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स है, ये सब डालकर जो बनाया जाता है तो उसको खिचड़ी बोलेंगे या पुलाव बोलेंगे, ये न्यूट्रिशियस बन जाती है। द सीरियल पल्स रेशियो कितना डालना है, देखिए सीरियल पल्स रेशियो शुड बी रेंज फ्रॉम 3:1 या 5:1, देख रहे हैं ना कि सीरियल की बात आ गई तो वो ज्यादा होना चाहिए और पल्स का प्रमाण जो है वो एक मात्रा में होना चाहिए, मतलब राइस आप 3 ग्राम लेंगे या 30 ग्राम लेंगे तो ये 10 ग्राम आपको ग्रीन ग्राम लेनी पड़ेगी, राइस 3 पार्ट्स एंड ग्रीन ग्राम जो है 1 पार्ट लेने, या राइस 5 पार्ट्स ले सकते हैं या ग्रीन ग्राम मूंग की दाल जो है 1 पार्ट ले सकते हैं। तो दिस कॉम्बिनेशन गिव्स द गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, इससे क्या हो जाएगा जो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा जो है वो अच्छी बन जाएगी। स्प्राउटेड पल्स हैव सम मोर न्यूट्रिएंट्स एंड शुड बी यूज्ड इन सिंगल डिश मील, जो स्प्राउटेड हम कुछ अन्न धान्य बनाते हैं जैसे मटकी है, उसको स्प्राउट कर दिया तो उसकी जो एडिबल वैल्यू है वो ज्यादा बढ़ जाती है, उसमें ज्यादा विटामिन और मिनरल्स आ जाते हैं। लेफी वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स शुड बी वॉश्ड प्रॉपरली, ये ज्यादातर बच्चों के लिए नहीं, मिड डे मील के लिए नहीं, तो सभी के लिए ये बातें अच्छी सी है कि हमारी खान पान में भी इसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं कि जो हम ग्रीन वेल लेफी वेजिटेबल्स ज्यादातर या रेनी सीजन में इस्तेमाल करते हैं तो उससे वॉश करने के लिए अच्छा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने शहरी भागों में भी देखा है कि जो वेंडर्स होते हैं वो जो बेचते हैं ये वेजिटेबल्स वो कौन सी भी पानी में ऐसा डाल के, या अभी ये समर चल रहा है ना तो धूप लगती है तो कौन सा भी पानी लेते हैं और उससे मतलब डूब कर वो ग्रीन लेफी वेजिटेबल ऐसे मार कर उधर रखते हैं, वो बहुत गलत चीज है, मतलब उसके ऊपर वो वाटर का कॉन्टेमिनेशन बन जाता है और उसके द्वारा कुछ जॉन्डिस है या टाइफाइड है या लूज मोशन है, कॉलरा है, गैस्ट्रो है, यह सब चीजें फैल जाती है। तो ये शुद्ध तरीके के पानी से और अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी बिट्टी लगी होती है, कुछ ऑर्गेनिजम्स लगे हुए होते हैं, वो भी अच्छी तरह से वॉश होने चाहिए। सोकिंग ऑफ राइस, सोकिंग ऑफ दाल, सोकिंग ऑफ बंगाल ग्राम रिड्यूसेस द कुकिंग टाइम, जब आप पानी में भिगो कर रखते हैं एक आधा घंटा 20 मिनट और बाद में कुकिंग प्रेशर में डाल देते हैं तो लेस टाइम मिल जाता है, मतलब अच्छी सी बात बच जाती है। राइस वाटर इफ लेफ्ट आफ्टर कुकिंग शुड बी मिक्स्ड विद द दाल, वो राइस वाटर जो कुकिंग के बाद बंद ऊपर कुछ रह गया है तो फेंक मत दो, उसका भी इस्तेमाल आयुर्वेद ने तो बहुत, उसका तांदुल धुअन बोलते हैं, तांदुळाचे पाणी इन मराठी, तो उसका भी आप इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं अलग रेसिपी बनाने के लिए।
फर्मेंटेशन इंप्रूव्स द न्यूट्रिटिव वैल्यू। ये देखिए यहां पर आगे ये वाली बात है हमारे न्यूट्रिशन के बारे में, उसके ऊपर गौर करना चाहिए। जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि सिंपल से इडली है ना, डोसा है, बहुत सारे साउथ इंडियन हमारे जो दही बनती है, कर्ड बनता है, वो भी एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स है। तो अभी इसके द्वारा ये देखिए इडली डोसा ढोकला न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ती है, ऐसा उनका कहना है मॉडर्न साइंस का। यहां पर मैं आयुर्वेदिक होने के नाते से एक बात साफ बता देना चाहता हूं, सभी के लिए नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए बात बहुत सही है, फिर मैं ऐसा कहता हूं कि जिन लोगों को कफ की बीमारियां हैं, कफ दोष बिगड़ जाने से, ज्यादा नाक में से पानी आता है जिसको राइनाइटिस बोलते हैं, पूरे साल भर ये वेजोमोटर राइनाइटिस, नाक में से पानी आना, ये जुकाम वाली शिकायत रहती है, साइनोसाइटिस की शिकायत होती है, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं तो इडिमा होता है, तो इन लोगों को ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स जिसको आयुर्वेद का शब्द है अभिशंधि। ये देखिए कैसा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आयुर्वेद कहता है कि कुछ कंडीशन में, कुछ बीमारियों में ये फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। आप उसका मतलब साइंटिफिक तरीके से रिसर्च भी आगे चल कर ये मॉडर्न वाले लोग कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं कि जिन लोगों को ज्यादा कफज की बीमारियां हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, सबके लिए नहीं बता रहा हूं, ठीक है? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर का मत कैसा लग रहा है आपको, ठीक है? कुकिंग मस्ट बी डन विद द लीड टू अवॉइड द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। जब हम पकाते हैं तो उसके ऊपर कुछ ढक्कन रखना चाहिए, नहीं तो ये जो विटामिन सी वगैरह है ना, वोलेटाइल है, वो निकल जाएंगे आपके और आपको फायदा नहीं मिल जाएगा। ओवर कुकिंग शुड ऑल्सो बी अवॉइड। ज्यादा टाइम, समय से ज्यादा टाइम कुक करना ये भी अच्छी चीज नहीं है। रीहीटिंग ऑफ द ऑयल यूज्ड फॉर फ्राइंग इज हार्मफुल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप जब रोड मतलब स्ट्रीट फूड खाते हैं ना, देखिए मैं क्या कह रहा हूं आपको, ये स्ट्रीट फूड रास्ते में जो वड़ा पाव खाते हैं, भजी खाते हैं आप, जो भी चीजें रास्ते पर मिलती है, उनका आपने कभी कभी भी वेसल देखा होगा जिसको हम कढ़ाई बोलते हैं, वेसल जहां पर वो फ्राइंग करते हैं, वो देखिए कितनी ब्लैक, डार्क ब्लैक कलर की हो गई हो, और जो भी ऑयल उसमें, उसका भी कलर देखिए आप, ब्लैकिश ब्राउन जैसा आपको देखिएगा। तो ये है कि वो ऑयल कभी भी 3, 4, 5, 10 टाइम भी यूज करते रहते हैं, उनको 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 नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको फायदा देखते हैं वो लोग। जो ऐसा बार बार जो हीट किया हुआ जो ऑयल है, वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही बेकार और अनहेल्दी, अनारोग्य वाली चीज है। उसके द्वारा ही आपको एसिडिटी होती है, जब भी एसिड रिफ्लेक्स बोलते हैं ना, जीआरडी, गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स डिसीज, जीआरडी की बीमारी होती है, हाइपर एसिड, अम्ल पित्त की शिकायत होती है, और भी लूज मोशंस हो जाते हैं, वो इसके लिए द्वारा हो जाते हैं। जो कढ़ाई है, जो वेसल है, स्ट्रीट फूड की बात, घर में ऐसा कभी देखा है आपने कि हमारी जो मदर है, हमारी जो माँ है, हमारी जो बहन है, वो जब पकाती है ऐसा रियूज करती है ऑयल बार बार? नहीं, जितना चाहिए उतना लेती है, बस ऑयल खत्म हो जाता है वेजिटेबल में, करी में। तो ये ऑयल ज्यादा मात्रा में लेने से वो बचकर हो जाता है, और वो बार 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 रीयूज करने से बिल्कुल हमारे शरीर में इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस हो जाती हैं, उन व्यक्तियों को ऑटो इम्यून डिसीजेस होने की संभावना ज्यादा है, उन व्यक्ति में रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाता है, उन व्यक्तियों में गाउट हो जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। आप बात मानो या न मानो, कुछ भी बोलना है तो कमेंट बॉक्स में मैं विनंती करता हूं, लिखते जाइए, हम जरूर उसका आंसर दे देंगे, नहीं तो व्हाट्सएप इज द बेस्ट थिंग। ओके, लीफी टॉप्स ऑफ द कैरेट्स, रेडिश, टर्निप्स शुड बी यूटिलाइज्ड इन प्रिपेयरिंग द मिड डे मील्स। जो लीफी पार्ट है वो भी अच्छा होता है। ओनली आयोडाइज्ड सॉल्ट शुड बी यूज्ड फॉर कुकिंग द मिड डे मील। सिर्फ आपको क्या इस्तेमाल करना है, आयोडाइज्ड सॉल्ट ही इस्तेमाल करना है। आगे चलते हैं, मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ द न्यूट्रिशनल प्रोग्राम्स, ये थोड़ा सा आखिरी वाला पार्ट है, ध्यान पूर्वक देखिए। ब्रीदिंग पीरियड, जब भी डॉक्टर देशपांडे मार्किंग के लिए 2-5 सेकंड रुकते हैं ना, तो ये ब्रीदिंग पीरियड समझिए आप, ठीक है? मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोग्राम, इफेक्टिव प्लानिंग इसके लिए होना चाहिए। ये सिर्फ मिड डे प्रोग्राम के लिए नहीं, आप सारे मेरे दोस्त ये ध्यान से सुनिए, ये इतनी बात है ना कि कौन सी भी कार्य हम जीवन में करते हैं, यहां तो मिड डे की बात चल रही है, मिड डे मील प्रोग्राम की, तो प्लानिंग की जरूरत है। स्टडी करने वाले हैं आप लोग, नौकरी धंधा करने वाले, बिजनेस है आपका,
आपको कुछ बीमारियां हैं, उसको ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, तो प्लानिंग होना चाहिए। मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, ये 3 महीने के बाद ये टेस्ट करूंगा, वो 1 महीने के बाद वैसा करूंगा, और उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। कैलेंडर पर लिखते जाइए, डायरी में लिखते जाइए, मॉनिटर मोबाइल है आपके पास, उधर प्लानर बना सकते हैं हम, और वो वार्निंग बेल भी लगा सकते हैं, टैक टैक, इसको मैं इस दफा ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। तो प्लानिंग अच्छी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, और इवेल्युएशन, बाद में क्या जाता है, इवेल्युएशन, जो भी हमने सोचा था साल के शुरुआत में जाने वाले महीने में, वो दिसंबर आ गया, तो अभी क्या क्या मैंने, मेरे जो प्लान्स थे वो कितने कंप्लीट हुए, कितने कंप्लीट नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, ये सब बातें का इवेल्युएशन, ये साल भर की नहीं, हर हफ्ते में आप ये कर सकते हैं, हर महीने में ये कर सकते हैं। तो इवेल्युएशन, तो 3 चीजें मिड डे मील के लिए तो है ही है, फिर इसके द्वारा आपके जीवन में ये संदेश आपको मैं देता हूं कि आपके जीवन में प्लानिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए उसका, और उसका इवेल्युएशन भी होना चाहिए, ठीक है। सिंस हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द यंग चाइल्ड, जो उभरते हुए जो नागरिक है हमारे भारत वर्ष के, आधार स्तंभ जो है डिपेंड, ये उनका जो हेल्थ है डिपेंड ऑन द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ द फैमिली एज ए होल, पूरे कुटुंब में खान पान कैसे होता है उसका असर बच्चों के ऊपर हो जाता है। डाइट ऑफ द यंग चाइल्ड इन द पुअर फैमिली, जो गरीब घर के लड़के हैं लड़कियां हैं, कैन बी इंप्रूव ओनली थ्रू द इंप्रूवमेंट ऑफ द फैमिली डाइट एज ए होल, पूरे माँ बाप को, रिलेटिव्स को आप ज्ञान देंगे कैसे पकाना है, क्या पकाना है, तो फायदा मिल जाएगा। सेकेंडली, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर कंट्री टू फीड इट्स 100 मिलियन चिल्ड्रन ऑलवेज, ये बात तो सही है कि हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी, जो भी सरकारी योजना की बात चलते चलाते हैं, तो एक बात हर व्यक्ति को, हर नागरिक को भारतवर्ष की ध्यान में रखनी चाहिए, प्रत्येक मुद्दे के ऊपर, प्रत्येक समय के ऊपर, नहीं ये तो मेरा काम नहीं है, सरकार का काम, ये मेरा काम नहीं है, सरकार का काम, चाहे वो स्वच्छता की बात हो, चाहे वो वैक्सीनेशन की बात हो, अभी तो पोलियो, सॉरी, ये हमारी लोकसभा का मतदान है, तो ये सरकारी ऐसी होनी चाहिए वैसी, अरे आप मतदान करेंगे, वोटिंग करेंगे तो ये बात आप कह सकते, तो वोटिंग करना की बात देखो, कि हर एक जिम्मेदारी सरकार की तो होती है, फिर उसके साथ साथ हमारे भारतवर्ष के हर एक नागरिक, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, यंग हो, बुढ़ापा हो, उसकी जिम्मेदारी भी है। इस ये संदेश हम इसके मतलब लेक्चर के द्वारा आपको देना चाहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे तो लेक्चर तो अभी बहुत ही 99.99% कंप्लीट हो गया है, जिसके जिसमें आप टाइटल देखेंगे, फिलहाल रिव्यू करके देखेंगे तो इसका मेन टाइटल था, क्या टाइटल था याद है आपको, देखिए, नेशनल न्यूट्रिशनल प्रोग्राम इन डिटेल, और उसके साथ हमने विटामिन ए, देन आयरन की बात की, आयोडीन की बात की, और मिड डे मील की भी बात की। तो इसके बाद जो भी 4 मिनट मेरे पास बचे हुए हैं, डॉक्टर देशपांडे का कहना तो ऐसा ही होता है, क्षणे नष्टे कुतो विद्या, क्षणे नष्टे, 1 सेकंड इज ऑल्सो यूजफुल फॉर द टीचर एज वेल एज फॉर द स्टूडेंट्स। मेरे प्यारे दोस्तों, स्वस्थ वृत्त जो सब्जेक्ट है, सबको देखिए, स्वस्थ वृत्त, स्वस्थ का मतलब हेल्दी होता है, और वृत्त का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, तो आयुर्वेद में एक ऐसा विषय है जो सब लोगों के लिए फायदेशीर है, जिसका नाम है स्वस्थ वृत्त, हमें हेल्दी होना चाहिए। पहले तो हेल्दी कौन है, इसके बारे में सुश्रुत कहता है, समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। हमारे शरीर के दोष धातु मल अग्नि समावस्था में होनी चाहिए, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए, और हमारे जो मन है, आत्मा है, इंद्रिय है, वो कैसे होने चाहिए, प्रसन्न होने चाहिए, एनर्जेटिक होनी चाहिए, तभी वो व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। उसको नींद अच्छी आनी चाहिए, उसको मॉर्निंग में जब उठता है तो फ्रेश लगना चाहिए, उसको जो टट्टी होती है वो अच्छी होनी चाहिए, हर एक उसके जो इंद्रिय है, कान नाक, ये सब एक्टिव होने चाहिए, है ना, इसके द्वारा उसकी भूख लगनी चाहिए, उसको प्यास लगनी चाहिए, उसको टट्टी और जो मलमूत्र विसर्जन है वो अच्छी तरह से होना चाहिए, क्लिनिकल तरीके से मैं बात कर रहा हूं। तो वो अच्छा होने के लिए स्वस्थ वृत्त पेपर एक में वैयक्तिक स्वस्थ वृत्त की बात की है, वैयक्तिक पर्सनल, उसमें क्या क्या चीजें आती हैं, स्वस्थ वृत्त प्रयोजन और लक्षण, दिनचर्या, डेली रेजिमेंट, दिन भर में हमने कैसे व्यापार क्या करना चाहिए, ऋतुचर्या, अकॉर्डिंग टू सीजन वी मस्ट मॉडिफाई अवर फूड एंड लाइफस्टाइल, उसमें सुधार करना चाहिए बाह्य ऋतुमान के अनुसार,
अभी जब ग्रीष्म ऋतु आ जाएगा, ये मई महीना अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल मई में ज्यादा धूप बढ़ जाएगी, हॉट सीजन चला रहा है भारतवर्ष में, तो उसमें हमें गार्लिक नहीं खानी है। गार्लिक या कुछ भी स्पाइसी सब्सटेंसेस है, पंजेंट जो चीजें हैं वो बिल्कुल ही नहीं खानी चाहिए। खाएंगे तो नाक में से खून आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, एपिस्टेक्सिस बोलेंगे। कभी कभार आपके चक्कर आ जाएगी, हाँ मतलब फेंटिंग अटैक्स आ सकते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है आपको। तो तेज पंजन पित्त प्रकोपक आहार व्यार नहीं करना चाहिए, रात को नहीं जागना चाहिए। स्क्रीन टाइम जो है हमारे मोबाइल का, देखिए आप मोबाइल में मिल जाता है आपको स्क्रीन टाइम कितना है, हर डे पर डे, तो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा, मैं मानता हूं ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं मैं, मिनिमम नहीं, तो ये होना चाहिए। मोबाइल का व्यापार जो इस्तेमाल है, स्क्रीन टाइम वो कम होना चाहिए। दिनचर्या हो गया, ऋतुचर्या हो गई, रात्रिचर्या हो गया, सदवृत्त एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, उसके बाद त्रयोपस्तंभ, तीन आधार स्तंभ है हमारे जीवन के, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए हर एक व्यक्ति ने। आहार के बारे में जागरूक होना चाहिए, निद्रा के बारे में, निद्रा स्लीप इज अ रिचार्जिंग ऑफ योर बैटरी, उसके साथ ब्रह्मचर्य, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है उसको थोड़ा सा हमारे काबू में होना चाहिए। रोगान अनुत्पादनी, रोगान अनुत्पादनी मतलब रोग न होने के लिए आयुर्वेद ने कहा है नवेगांधारी, कौन सी भी नेचुरल अर्ज होती है, डिफिकेशन है, यूरिनेशन है, भूख लगना है, प्यास लगना है, उसको निग्लिजेंस नहीं करना चाहिए, उसको रोकना नहीं चाहिए। रसायन के बारे में बात बता दी है। अष्टौ निंदित पुरुष, 8 प्रकार के जो लोग होते हैं, हॉर्मोनल प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, डिफिकल्ट है क्योर करने में, और मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात पेपर 1 पार्ट ए में की गई है। मेरे प्यारे दोस्तों, एज द टाइम फिनिश, डॉक्टर देशपांडे ये तो ये भी जानते हैं कि कुछ भी अति ठीक नहीं है और हीन भी ठीक नहीं है। ऑप्टिमल का मतलब होता है जहां से लेक्चर चालू करना है और वहां लेक्चर खत्म करना है, ये टाइम भी मैं भी हमेशा पालन करता हूं, आप भी उसके आनंदित हो जाएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। एक विनंती हमेशा की तरह, देशपांडे सर की एनर्जी बढ़ाने के लिए कृपया कॉमेंट्स भी करते जाइए और लाइक शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।